गाइस, तो मैं आ चुका हूँ रेड फोर्ट के अंदर। और जैसे ही आप रेड फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको एकदम इतिहास याद आने लगता है, और पुरानी चीज़ें जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो वो सब इस फोर्ट के अंदर आपको मिलेंगी। इस फोर्ट के अंदर से आपको ताजमहल बिल्कुल लाइव नज़र आता है, बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आता है। और इस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि दीवाने आम, दीवाने ख़ास, और यहाँ पर पालकी भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस किले के अंदर दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यह है पालकी जो शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों के लिए बनवाई थी। यहाँ पर वो लोग बैठते थे आकर के, और उसे बच्चों के लिए होती है एक पालकी टाइप, और उन्हें यहाँ पे रखा जाता था। गाइस ये देख सकते हैं, ये जो है शाहजहाँ और मुमताज़ का एक तरीके बेडरूम आप कह सकते हो, वो लोग यहीं पर रहते थे। और इसमें ऊपर जो है डायमंड और गोल्ड का काम किया हुआ था। ये देखिए, लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो लोग यहाँ से डायमंड और ये गोल्ड निकाल करके ले गए। और हवा के लिए पीछे यमुना नदी है, जहाँ से कि ये कमरे ठंडे रहते थे। तो इस बेडरूम के पीछे एक पूरी यमुना रिवर है, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, और इसलिए इन्होंने शायद ये यहाँ पर बनाया हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें फोर्ट के अंदर जो मैं आपको भी खाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये है मीना बाज़ार। ये किस लिए, किस पर्पज़ पे बनाया गया था? रानियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि वो मार्केट में जाएं या कुछ सामान खरीदें, तो इसलिए इस जगह पे ही लोग आते थे अपने सामान को बेचने के लिए। ये कुछ बना करके लाते थे मिट्टी का, और यहाँ इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से रानियाँ खड़ा होकर के इस बाज़ार को देखती थी, और उनको जो खरीदना होता था या कोई अच्छा लगता था तो वो परचेज़ करती थी। और भी बहुत कुछ है इस महल के अंदर या इस फोर्ट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है दीवाने ख़ास, और दीवाने ख़ास से आप देख सकते हैं कि आपको ताजमहल बिल्कुल अच्छा व्यू लगता है पीछे से। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये है दीवाने ख़ास, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ब्लैक पत्थर भी रखा है जिसपे जहांगीर बैठते थे। और इस पत्थर की खासियत यह है कि इसको उस समय बेल्जियम से मंगाया गया था, और इस पत्थर के टूट के दो टुकड़े हो गए हैं क्योंकि इस पे अंग्रेज़ों का गोला लगा। महल के अंदर लाइट ना होने की वजह से तो महल के अंदर ठंडक कैसे रखी जाए? तो ये जो दीवारें होती थी, ये देखेंगे आप, ये खोखली है, इनके अंदर कहा जाता है कि इनके अंदर पानी चला करता था, जिससे कि महल की दीवारें ठंडी रहें और एक ठंडक अंदर बनी रहे।
सो गाइस, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है दीवाने आम। और यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाता था। जिस टाइम के भी राजा आए, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब, तो वहाँ पर बैठ करके लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे। और जो भी किसी को न्याय देना है, किसी को जेल में डालना है, एक तरीके से आज हम पार्लियामेंट रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाता था। यहाँ बैठ करके राजा अपने प्रजा की जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी उनको सुना करते थे। और जो साइड में आप देख रहे हैं कि एंगल्स का बना हुआ विंडो बनी हुई है, राइट में भी और इधर लेफ़्ट साइड में भी, यहाँ पर इनकी रानियाँ बैठा करती थी। और इस सारी जगह पे पूरी जो प्रजा होती थी अपनी चीज़ों को बताया करती थी। दीवाने आम के जस्ट बराबर में एक मस्जिद भी है जिसको मोती मस्जिद कहते हैं, आप पीछे देख रहे होंगे। अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से उसे बंद किया हुआ है, जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस, ये है अंगूरी बाग। और इसे बनाने के लिए जो मिट्टी लाई गई थी वो कश्मीर से लाई गई थी बैलगाड़ी के थ्रू। और बाद में इस बाग को गुलाब का बाग बना दिया गया, जिससे कि पीछे आप देख सकते हो मुमताज़ का वो एक महल था, बेडरूम था, जिससे यहाँ की जो खुशबू होती थी गुलाब की वो उसके बेडरूम तक जाती थी। इसलिए इसको जो है अंगूरी बाग से बदल करके इसमें गुलाब के पौधे लगा दिए गए और इसको बना दिया गया गुलाब बाग। तो गाइस, किले की सेफ्टी और सिक्योरिटी किस तरीके से हो, तो राजा उस समय पे क्या करते थे ये देखिए। जो पहला वाला पोर्शन है इसमें पानी रहता था, और फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं जो साइड में एक वॉल बनी हुई है, यहाँ पे सैनिक होते थे। और उसके बाद में जंगल होता था जहाँ पे कि शेर, चीते ये सब छोड़े जाते थे। तो किले की सेफ्टी के लिए तीन चीज़ों से सिक्योर किया जाता था। सबसे पहले पानी, उसके अंदर मगरमच्छ रहते थे इस पानी के अंदर, और देन ये वॉल कि जहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, और देन ये जंगल कि यहाँ पे जंगली जानवर छोड़ जाते थे कि कोई आक्रमण ना कर सके या एंट्री ना कर सके। तो इस तरीके से किले की सिक्योरिटी रखी जाती थी। तो ये जो आप टब देख रहे हैं, ये है जहांगीर का स्नान टब। जब वो छोटे थे तो जोधाबाई उनको इस टब के अंदर नहलाती थी, गुलाब के जो बॉर्डर था उससे नहलाया करती थी। इसके अंदर तीन स्टेप भी बनी हुई हैं जिसके अंदर वो बैठ सकते थे या उसको नहाने में प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से स्नान कर सकते थे। गाइस, ये किले का मेन गेट, यहाँ से अगर कोई एंट्री करना चाहता है या आता था तो उसके लिए ये मेन गेट है। लेकिन इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी किस तरीके की वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, किले के अंदर जो है नीचे जो क्लिप्स हैं ये इसीलिए बनाई गई हैं जिससे कि घोड़े जो आते थे कि उनको चढ़ने में या दौड़ने में प्रॉब्लम ना हो। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की ये नालियाँ बनाई गई हैं। इसमें क्या होता था कि जब कोई आक्रमण कर देता था या किले में घुसने की कोशिश करता था तो इन नालियों के थ्रू ही गर्म पानी, गर्म तेल इस रास्ते में डाला जाता था। और यहाँ पर पत्थर भी डाले जाते थे बड़े बड़े, जिससे कि आप किले के अंदर एंट्री ना कर पाए। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी डेस्टिनेशन पे वीडियो बनाऊं या आपको कोई सजेशन होता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके साथ प्रेजेंट होता हूँ किसी डेस्टिनेशन को लेकर।